our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. तो आज बहुत दिन के बाद सत्य ऑफिस से जल्दी आ गए हम निकले हैं विटामिन डी लेने नहीं नहीं विटामिन डी नहीं है नहीं लेना है हो गया है विटामिन डी और नहीं चाहिए और अभी दिन भी बड़ा हो गया है अरे चश्मा नहीं लाया यार आंखें आज मेरी वो हो जाएगी जल जाएगी पूरी एनीवेज तो हम निकले हैं ऐसे ही घूमने के लिए कुछ ऐसा पर्टिकुलर कोई जगह नहीं जा रहे हैं बस घूमने जा रहे हैं है ना अभी तो बोला विटामिन डी लेने अच्छा ठीक है विटामिन डी भी लेने जा रहे हैं ठीक है खुश चलो चलते हैं आप लोगों को भी लेके चलते हैं और अभी मिड ऑफ अप्रैल आप बोल सकते हो सेकेंड वीक चल रहा है अप्रैल का और अभी वेदर आपको दिखाते हैं स्नो सब गल चुका है और स्प्रिंग की शुरुआत हो चुकी है सीधा अभी हम आए हैं 7-Eleven में और यहाँ पे हम कुछ खाने के लिए ले रहे हैं सत्य को लगी है भूख और आई गेस अभी 7-Eleven इंडिया में भी खुल गया होगा ऐसा न्यूज़ में मैंने सुना था ऑफिस से आते ही निकल गए ना कुछ खाना नहीं खाया इसीलिए ज्यादा बोल रही ना जरूर पीने लो अच्छा तुमको पता चल गया हाँ, छीन भी ले रही है उसको मुंह से वो उठाया भी नहीं उसको मुंह से छीन ले रही है हाँ, ज्यादा बोलने वाला हमेशा फीमेल नहीं होता है हमेशा फीमेल अच्छा सच में ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है देखो थोड़ा आगे चलो धूप बहुत आ रही है बहुत मजा लग रहा है मुझे और ये तो किलबिश बन के घूम रहे हैं पता नहीं क्या है बचपन की शक्तिमान में जो किलबिश होता था ना अंधेरा कायम रहे वैसा वाला बन के घूम रहा है ज्यादा ठंडा तुमको ही लग रहा है बाबू 10 degrees है इट्स समर टाइम 10 degrees आजकल हमें फील नहीं होता 10 degrees देखो खा पी लिया मस्त एकदम अब बीबी भूल गया बीबी नहीं चाहिए सो आज हम सोच रहे हैं कशूस फोर्ट्रेस में जाएंगे वो जो सामने वो वाला एरिया है वहाँ पे मुझे तो बहुत डर लगता है खाना देखते ही इतना नजदीक आ जाते हैं ना ये लोग अरे छीन लेते हैं मैंने इधर देखा था यनबन दौरगत पे वो बंदा खा रहा था उसके हाथ से मुंह में निवाला छीन के ले गए मैंने एक वीडियो देखा था पता नहीं किसने डाला था बट दुकान का जो स्टोर होता है ना यहाँ पे कैसे ऑटोमेटिकली सेंसर से ओपन हो जाता है तो एक बंदा बाहर आया वो ओपन हो गया और एक बर्ड अंदर घुस गई और फिर वहां से सैंडविच उठा के बाहर निकल गई अरे यहाँ
फ्रैंकलिन रूजवेल्ट बैठे हुए। ये समर के टाइम पे इतना खूबसूरत हो जाता है ना, वैसे अगर आप विंटर में आते हो ना जब स्नो गिरता है तब भी बहुत खूबसूरत लगता है, बट हाँ तब ना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि पूरा ही आइस हो जाता है यहाँ पे। हमें पता नहीं जाना किधर है, बस हम बस चलते जा रहे हैं, देखते हैं। और ये हम पहुंच गए, सो इसका गेट आई गेस यहां से है। ओके यहाँ पे फॉक्सेस भी हैं, देखते हैं चलो। ये अकर्शुस फोर्ट्रेस 12th सेंचुरी में बनना स्टार्ट हुआ था अंडर किंग हैकॉन 5। इनिशियली इसको एज अ रॉयल रेसिडेंस के हिसाब से बनाया गया था एंड एज अ डिफेंसिव फोर्ट्रेस टू प्रोटेक्ट ऑस्लो फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स। फिर इसको एज अ मिलिट्री बेस भी यूज़ किया गया है, एज अ प्रिजन भी यूज़ किया गया है एंड करेंटली इट इज़ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे। और उस हिसाब से अब गार्ड देखो ज़्यादा गार्ड है ही नहीं, सो बहुत ही हैप्पी कंट्री है, कुछ क्राइम वगैरह भी उतना होता नहीं है यहाँ पे, सो सब चिल है, मस्त है।
से हम लोग सनसेट एंजॉय करेंगे। अभी बज रहे हैं, वो देखिए 7:20 हो रहा है, 7:30 इवनिंग का, और अभी सनसेट होने वाला है 1 घंटे बाद। 8:30 आजकल सनसेट हो रहा है। ओह माय गॉड, आई डोंट नो आप लोगों की कितनी आवाज आ रही है, बट बहुत तेज हवा चल रही है। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे कोई बात कर पाऊंगी क्योंकि कुछ भी सुनाई नहीं देगा। जब मैं ले रहा था तब बोली क्यों लेके जा रहे हो, जब मैं खा रहे थे तुम तो ये तो पहले ही खा जा रहा है। अभी देखिए ठंड के मारे भूख लग रही है। हाँ सब पता है मेरे को। आराम से आराम से। आप यहाँ पे पक्षियों को खाना दे नहीं सकते हो, बट बहुत भूखे लग रहे थे। एंड ना इस पक्षी का एक पैर भी नहीं है, इसका एक
हमारे पास खाना था तो हमने थोड़ा सा दे दिया, बट कुछ गलत शलत नहीं खिलाया है, जो मैं खा रही थी वही दिया है। सत्य खा रहे हैं और दे रहे हैं, ब्रेड ही दिया है हमने, खा तो रहे हैं। सो या बट कोई ना हो तो मुझे बहुत डर लगता है बाय द वे इनसे। ये वर्किंग कंडीशन में है तो इसीलिए ढक के रखे हैं ताकि खराब ना हो। ये एक्चुअल वाले हैं, देखो ये असल वाले हैं पूरा। वो तो लकड़ी का बनाया हुआ है, आई गेस वो भी पुराना होगा, बट ये अभी काम पे आता होगा। देखो देखो तो हम तो निकले थे ऐसे ही टहलने के लिए, बट अच्छा वक्त गुजर गया। नाउ अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, तो हम सोच रहे एक बार डिनर करके फिर ही घर वापस जाते हैं। सो हम अपना पिज्जा एंजॉय करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय गाइज़।